दोस्तों आज का मैच भारत और श्रीलंका के बीच उस मैदान पर खेला जा रहा है जिस मैदान का भारतीय टीम से बहुत पुराना और बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि यह वही मैदान है जहां पे भारतीय टीम ने 2011 का विश्व कप जीता था और वह लम्हा शायद पूरी देश के लिए भूलने वाला नहीं था, क्योंकि वह एक ऐसा पल था जो पूरे भारतीय के आंखों में आंसू था और यह आंसू खुशी के थे, क्योंकि भारतीय टीम कुछ ऐसा कर गई थी जो वर्ल्ड कप से पहले शायद किसी ने सोचा नहीं था। भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए बेताब थी और वर्ल्ड कप इसलिए भी जीतना चाहती थी क्योंकि भारतीय टीम के सबसे लीजेंड सचिन तेंदुलकर 6 वर्ल्ड कप खेल चुके थे, लेकिन कभी उसे वर्ल्ड कप जीतने का एजाज हासिल नहीं था और इस बार भारतीय टीम के पास पूरा मौका था और भारतीय टीम ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और वर्ल्ड कप अपने नाम किया और सचिन तेंदुलकर के लिए पूरे देश ने इस वर्ल्ड कप को जीतते ही इतने खुशी के आंसू बहाए जिसे देखने पूरी दुनिया उमड़ पड़ी थी और 558 मिलियन लोग इस वर्ल्ड कप के गवाह बने थे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर जब शुभमन गिल आउट होकर जा रहे थे उनकी रिएक्शन कैसा था आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल के चर्चे पूरे इंटरनेट पे हमेशा छाए रहते हैं क्योंकि दोनों लव कपल्स भी हैं, तो पूरी दुनिया दोनों के बारे में जानने को हमेशा उत्सुक रहती है। सचिन तेंदुलकर की बेटी तब स्टेडियम पर खड़ी हो गई और अपने मुंह को ढांक ली जब शुभमन गिल आउट हो गए। शुभमन गिल और विराट कोहली रोहित शर्मा के आउट होने के बाद आज श्रीलंका के खिलाफ बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल 92 बनाकर खेल रहे थे, तब दिलशान मधुशंका की एक गेंद बाउंसर थी और शुभमन गिल खेलने के चक्कर में विकेट कीपर को कैच थमा बैठे और विकेट कीपर ने कोई भी गलती नहीं की और शुभमन गिल आउट हो गए, जिसके बाद सारा तेंदुलकर का रिएक्शन देख पूरा स्टेडियम बिल्कुल भौचक्का रह गया, क्योंकि सारा तेंदुलकर अक्सर बहुत शांत दिखती है और बहुत शांत रहती है, लेकिन आज अचानक जब शुभमन गिल को आउट होता देखी तो वह अपने कंट्रोल इमोशन को नहीं कर सकी और अपने मुंह पे हाथ रख के कुछ ऐसा बोल गई जो देखकर आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। वहीं सचिन तेंदुलकर की बेटी और उनके साथ बैठी जितनी भी लड़कियां और दर्शक थे सब अचानक बहुत ही परेशान दिखने लगे, क्योंकि शुभमन गिल और विराट कोहली दोनों ने मिलकर भारतीय टीम के लिए इतनी अच्छी बल्लेबाजी की थी। सबको लग रहा था आज विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का उन 50वां शतक के रिकॉर्ड को बराबर कर लेंगे और वहीं शुभमन गिल वर्ल्ड कप का अपना पहला शतक ठोक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोनों बल्लेबाज इतने गजब के फॉर्म में लग रहे थे इसका कोई अंदाजा नहीं है। इससे पहले शुभमन गिल वर्ल्ड कप में इस बार कुछ खास फॉर्म नहीं दिखा सके हैं, क्योंकि शुभमन गिल वर्ल्ड कप के कुछ मैच नहीं खेले थे जो कुछ अपने अंदरूनी बीमारी के चलते उनके साथ ऐसा हुआ था, लेकिन जब से वापसी हुई है वह उस टच में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। आज के मैच में उम्मीद था कि शुभमन गिल शतक लगा के ही मानेंगे, लेकिन शुभमन गिल और विराट कोहली दोनों अपने शतक से चूक गए। विराट कोहली 84 रन बनाकर आउट हुए, वहीं शुभमन गिल 92 गेंदों में 92 रन बनाए और भारत की तरफ से इस साल के फॉर्म में नहीं चल रहे अय्यर ने गजब की बल्लेबाजी की, मात्र 56 गेंदों में 86 रन की जबरदस्त पारी खेली जिसमें 6 छक्के शामिल थे। भारत के तरफ से भारतीय टीम ने 350 रनों का टारगेट श्रीलंका के सामने रखा है और यह टारगेट बहुत बड़ा है। श्रीलंका की टीम अभी उतनी मजबूत नहीं है जो इस टारगेट को चेज कर सके, लेकिन मिलते हैं अगले वीडियो में।